नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। अपने दो बार के कार्यकाल में पीएम मोदी एक मुस्लिम देश पांच बार से ज्यादा जा चुके हैं, लेकिन क्यों? जान जाएंगे तो चौंक जाएंगे। आज मोदी का यूएई दौरा फिर से चर्चा में है, लेकिन क्यों? अंदर की बात आज हम आपको बताएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर रवाना हो गए हैं। फ्रांस में 14 तारीख को बेस्टल जे परेड में वो हिस्सा लेंगे। उसके बाद 15 जुलाई को संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। यूएई की यात्रा पर पीएम मोदी राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मिलेंगे। जानकारी देते चले कि पीएम मोदी जब पीएम बने तब से अब तक दोनों नेता कई बार मिल चुके हैं। जानकारी देते चले कि पीएम मोदी 34 साल बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने साल 2015 में यूएई की यात्रा की थी। पीएम मोदी के कार्यकाल में यूएई और भारत के बीच दोस्ती एक नई बुलंदी पर पहुंच गई है। यूएई पश्चिम एशिया में भारत का महत्वपूर्ण कूटनीतिक पार्टनर बन गया है। यूएई में इस वक्त करीब 35 लाख भारतीय काम करते हैं जो अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा हर साल भारत भेजते हैं। पीएम मोदी ने साल 2015 में सबसे पहले यूएई की यात्रा की थी। पीएम मोदी की तीन यात्रा के बाद यूएई के राष्ट्रपति साल 2017 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बने थे। साल 2019 में यूएई ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद दिया था। भारत और यूएई के बीच बढ़ती दोस्ती का ही असर है कि अबू धाबी ने पाकिस्तान का साथ छोड़कर कश्मीर पर भारत का साथ दिया था। जम्मू कश्मीर में यूएई बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है, इससे पाकिस्तान बुरी तरह से चिढ़ा हुआ है और उसे लग रहा है कि पहले मुसलमान मुसलमान कहकर सऊदी अरब और यूएई को बेवकूफ बनाता रहा, लेकिन अब लग रहा है कि वो भी नहीं हो रहा है, इसीलिए वो भारत से नफरत करने लगा है। लेकिन भारत की नजर यूएई से व्यापार पर है। यही कारण है कि मोदी इस रिश्ते को उस ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं जहां पर कोई जा ना सके। भारतीय विदेशी मामलों के जानकार और व्यापार पर नजर रखने वालों की माने तो यूएई में करीब 35 लाख भारतीय काम करते हैं जो वहां की कुल आबादी का 30% है। यूएई में भारतीय प्रवासियों की संख्या सबसे ज्यादा है। ये भारतीय यूएई के विकास में बेहद अहम भूमिका निभा रही हैं। हाल ही में मुस्लिम देश यूएई ने 26 एकड़ जमीन दी थी ताकि हिंदू मंदिर बनाया जा सके। अबू धाबी में ये हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। खुद यूएई की सरकार इस पर नजर रखे हुए है। साल 2019 में यूएई ने पाकिस्तान की आपत्ति को खारिज करते हुए भारत को इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी की बैठक में आमंत्रित किया था। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत यूएई का रिश्ता कितना आगे बढ़ चुका है। जिस देश के लोग मंदिर का नाम सुनकर भड़क जाते हैं, वो देश अब अपने देश में मंदिर बनाने के लिए जमीन दे रहा है, तो ये बड़ी बात है। यहाँ पर एक दिलचस्प जानकारी आपको दे दें। साल 2022-23 में यूएई के साथ भारत का 76 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। उसके बाद सऊदी अरब और सिंगापुर का नंबर था। यूएई और भारत ने इसे बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही साथ यूएई से अरबों डॉलर का विदेशी निवेश भी भारत आया। यूएई तेल पर से अपनी निर्भरता को खत्म करके ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है और भारत के साथ दोस्ती इसमें मदद कर रही है। भारत यूएई के साथ विज्ञान के क्षेत्र में भी काफी सहयोग कर रहा है। यही नहीं, वैश्विक मुद्दों पर भारत और यूएई एक समान सोच रखते हैं, इसीलिए यूएई भारत एक साथ आगे जा रहे हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि क्यों पाकिस्तान चिढ़ रहा है और इसका कारण क्या है। लेकिन यूएई और भारत की दोस्ती एक अलग इबारत लिख रही है और खाड़ी के देशों में भारत ध्रुव तारे की तरह चमक उठा है और पाकिस्तान अपना बोरिया बिस्तर बांध कर भाग रहा है। ऐसे में भारत का व्यापार बढ़ रहा है और दोस्ती भी परवान चढ़ रही है। देखना होगा इस बार कितने समझौते होते हैं और उसका फायदा आने वाले दिनों में किस तरह से होता है। लेकिन पाकिस्तान अभी से टेंशन में है।